मोदी सरकार बजट पेश कर अपनी जमकर वाहवाही कर रही है, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी ने बजट पर केंद्र को घेरा था और आज एक बार फिर राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्विटर पर पीएम मोदी का एक वीडियो जारी कर उन पर कटाक्ष किया है। जब अर्थव्यवस्था गर्त में जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही, जिसने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली उससे जवाब तो मांगा ही जाएगा, लेकिन जब सरकार ही मौन रहेगी तो जवाबदेह कौन बनेगा। और ऐसा ही मौजूदा सरकार में हो रहा है, जहां बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर है तो अर्थव्यवस्था जमीन में धंसती जा रही है, जो विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका दे रही है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की खराब हालत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की एक योग करते हुए वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय पीएम, कृपया अपने जादुई व्यायाम की दिनचर्या को कुछ बार और दोहराएं, हो सकता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था दोबारा से शुरू हो जाए। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में #मोदीनॉमिक्स भी लिखा। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया हो। राहुल ने आम बजट पेश किए जाने से कुछ दिन पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बारे में कुछ नहीं जानते कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए आगे क्या करना है। कल जब सरकार ने बजट पेश किया तो भी राहुल ने कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने इस बजट को खोखला बताया था, जिसके बाद से उनके तल्ख तेवर अब तक जारी है और मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि ये तेवर जल्द शांत होने वाले नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।